कूड़ा वाला बोल रहा है कूड़ा लाओ, तो आप कूड़ा हो, हम दे क्या है, तो ना देखो ना आप कूड़े ही तो खा रहे हो। ना चलो मैं दे रहे हो, आपको दे के आए कूड़े वाले को। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और अभी हम दोनों मम्मा बेटा बैठे हुए हैं, क्योंकि अभी अभी इसके पापा गए हुए हैं ना, ऑफिस निकल गए हैं, तो हम दोनों बैठे हुए हैं यहाँ पे, कर रहे हैं नाश्ता। ये देखो हमारा चाय पराठा हो गया है नाश्ते में, और बस कल रुद्रांश का एग्ज़ाम है, आज छुट्टी थी उसकी, सो हम दोनों बस आज चिल मारेंगे और साथ में पढ़ाई करेंगे, है ना। और मेरा गला खराब हो गया। और रुद्रांश का गला खराब हो गया है। नाश्ता तो हो गया है, अभी घर के थोड़े बहुत काम हैं वो निपटाते हैं। सो बस अभी जस्ट ब्रेकफास्ट हुआ है, और ब्रेकफास्ट के बाद अभी बहुत सारा पीछे गंदा संदा फैल गया है, वो साफ सब करना है। और हाँ, मेरी तैयारियाँ भी चल रही हैं, क्योंकि भाई मैंने आप लोगों को बताया था मेरे घर में शादी आने वाली है, सो शादी के लिए मेरे को शॉपिंग भी करनी है। एग्ज़ाम कल है और परसों छुट्टी, फिर उसके नेक्स्ट डे है, सो अभी उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं। एग्ज़ाम जैसे ही ख़त्म हो गए मैं फटाक से शॉपिंग के लिए निकल जाऊँगी, और क्योंकि फिर उसके बाद हम लोगों को घर जाना है। सो आप लोगों को बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग मिलेंगे देखने के लिए, क्योंकि हमारे घर में एक नन्हा सा मेहमान भी आने वाला है, राइट। पूरे रूम में ना बहुत ज़्यादा गंदे पड़े हुए हैं, मैसी 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 पड़ा हुआ है सारे रूम में, क्योंकि ना अभी ठंडी के मेरे को कपड़े रखने हैं। सो ये देखो यहाँ पे मैंने सारे कपड़े, मतलब जो भी है, निकाल खुल के रखे हुए हैं। सो उस रूम में साड़ियाँ पड़ी हैं, इस रूम में मतलब ब्लैंकेट, जो भी ठंडी वंडी के कपड़े हैं ना मेरे को जो अंदर रखने हैं, वो सारे पड़े हुए हैं। अभी बेडरूम भी मैंने क्लीन नहीं किया है, क्योंकि सुबह सुबह ये गए तो इनको मैंने फिट फिन वगैरह ऐसा था वो सब बना के इनको भेज दिया है। बस अब भाई अपने काम पे लग जाते हैं, काम खत्म करते हैं, रुद्रांश को थोड़ा सा पढ़ाएंगे क्योंकि उसका एग्ज़ाम है, तो उसको स्टडी करवाने में बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे ना कुछ दिनों से पिजन आ जाता है और यहाँ बैठ जाता है, अभी तो है नहीं, चला गया है, रोज़ रात में आता है और यहाँ आके बैठ जाता है। मक्का? मक्का नहीं है, मक्के का आटा है। क्यों? मक्का खाता है? आपको कैसे पता मक्का खाता है? ओके, सो इसकी साइकिल चल रही है। एंड यहाँ पे ये देखिए मेरा नीम अभी अच्छा खासा हो रहा है, ये पता नहीं शायद फूल आ रहे हैं इसमें। और बाकी का यहाँ से इसको कलम कर दिया था, ऊपर से कलम कर दिया था, तो ये दोनों जगह से अभी सब ग्रोथ कर जाएगा। आप इतना गंदा फैला देते हो ना, ये पेंसिल साफ कर करके देखो कितना सारा कचरा है, ये तो ड्रॉ को साफ कर, ये साफ हो गया है। एंड बेड भी साफ कर दिया हमने, बस ये कचरा बचा है। और मम्मा यहाँ से काम करती है, मैं भी काम कर लूँ। क्या हुआ? रुद्रांश गिर गया है, वो उसकी गाड़ी रखी हुई है वहाँ, उससे ऊपर किचन में चढ़ा हुआ था, वहाँ से गिरा तो गाड़ी पे ही गिरा है, तो इसको लग गई है हाथ में चोट, और अब बोल रहा है मेरी हड्डी टूट गई है, तो इसके सहारे चल रहा है वो लकड़ी के, राइट। दिखाओ कितनी टूटी है हड्डी, फेस दिखाओ, फेस से देखेंगे हम कितनी टूटी है। अच्छा, अंदर अंदर से टूट गई है, दिखाओ जरा, बट हमें भी तो नहीं दिखेगी ना, हमें पता थोड़ी ना चलेगा कि कहाँ टूटी है आपकी हड्डी। जैसे आप टूट हाँ, तो आपको पता चलेगा, मेरे टूट गए तो मुझे पता चलेगा। हाँ, तो आपको अंदर से फील होगा ना कि आपकी कहाँ टूटी है। टूटी तो डॉक्टर के पास लेके चला, सुई लगाएगा डॉक्टर। सही, कौन लगाता है जोड़ने के लिए? वही नहीं, ठीक हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग मूव लगा देंगे अभी हम, ठीक है। क्या होता है दवाई? चलो नहला दें, चलो चल, नहलाने के बाद फिर हम आपको मूव लगा देंगे। ऐसे पकड़ लें, ऐसे पकड़ ले रहे हैं, ऐसे पकड़ लें, ऐसे पकड़ ले रहे हैं, ऐसे इसको ऐसी चोट लगी है। हाँ, माना कि गिरा है और जम के गिरा हुआ है, बट अब ये नहीं पता कि अंदर चोट आई होगी ना, तो फिर उसको ही फील हो रहा होगा ना। रुद्रांश की मालिश होगी, ये सरसों तेल, और इस सरसों के तेल में डला हुआ लहसुन एंड मेथी दाना, सो ये गरम किया हुआ तेल है, से होगी मालिश। हड्डी बोल ऐसा लग रहा अलग हो रही हो। अलग हो रही? हाँ। कहाँ जा रही है अलग होके? पीछे डाली है हड्डी, तो पसीना फट गई है। मजा आ रहा है आपको चंपी करवाने में?
पापा अच्छे करते कि मम्मी अच्छी करती चाहते मामा और पापा चल। और रोजांच को नहला दिया है एंड उसकी मैंने तेल से अच्छे से मालिश कर दी है, मैंने भी नहा लिया है। सो गाइस अभी मैंने लगा लिया है फेस पे मॉइस्चराइजर। और अभी ना मैं एक चीज़ बता दी हूँ, मैं काफ़ी टाइम से ना ये वाला मॉइस्चराइजर यूज़ कर रही हूँ, मेरे को काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला है इसका। करीब मेरे को एक साल हो गया जब से मैं ये मॉइस्चराइजर यूज़ कर रही हूँ, और पता है थोड़ा सा भी लगाती हूँ ना और अच्छा खासा फेन हो जाता है और अच्छा खासा रिजल्ट भी देता है। और इससे ना जो पिम्पल्स वगैरह रहते हैं ना वो सब भी मतलब नहीं होते हैं, तो पिक्चर्स हैं वो। तो काफ़ी टाइम से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी बता देती हूँ। ये है मेरा मॉइस्चराइज़र और काफ़ी अच्छा है, बट थोड़ा सा कॉस्टली है। बेस्ट है अगर आप पिंपल्स की या आपको ऐसा कुछ प्रॉब्लम है ना, तो आप इस वाले मॉइस्चराइज़र को यूज़ कर सकते हो, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, मेरे को अच्छा रिजल्ट मिला है इससे। क्या करो अंकित मामा नहीं है, दानिश के नानू की फोटो और ये मेरे पापा, बिल्कुल मैं और मेरे पापा दोनों एक जैसे ही लगते हैं, मतलब मैं पूरी पापा की कॉपी हूँ। मेरे पापा बहुत स्मार्ट लगते थे, ये देखो कितने सुंदर दिख रहे हैं ना। मेरे पास बहुत सारी पुरानी जो फोटोज है ना वो पड़ी हुई है, तो ये देख रहा है, ये नानू है, बीच वाले नानू है, नानू है। एंड ये मेरे भी बचपन की फोटो है, ये मैं 5th क्लास में थी, ये मेरे जब की फोटो है। ये देखो इसमें बहुत सारे लोगों की फोटोज रखी हुई हैं, चाचू की, मम्मा की, ये भी मम्मा की है, ये मम्मा की शादी से पहले की फोटो है, एंड ये पापा की फ़ोटो है शादी के बाद की, और ये है नानू की फ़ोटो, ये चाची की फ़ोटो। बंद करके रख दें, मैं बनाने वाली हूँ लंच, और लंच में मैंने यहाँ पे ये मूंग की जो दाल है ना, अंकुरित की हुई दाल को मैंने उबाल लिया है, और लौंग और नमक और एंड थोड़ी सी हल्दी डाल के इसको मैं अभी बनाने वाली हूँ। ये पक गई है, इसमें मैंने 2 सीटी लगा ली। दाल में तड़का लगा लेती हूँ, खाने में काफ़ी अच्छी लगती है, मतलब टेस्टी टेस्टी सी लगती है, सो बना लेते हैं। एंड हेल्दी तो है ही मूंग की दाल है, तो मेरे को सबसे अगर दालों में देखा जाए ना सबसे अच्छी दालों में ना मेरे को मूंग की दाल लगती है। एकदम सिंपल सा तड़का लगाऊंगी। आज टीवी का इंटरनेट खत्म हो गया है, इसको टीवी नहीं मिल रही है देखने के लिए, इसलिए ऐसा बैठा हुआ मुंह बना के। मसाला भुन गया है, दाल ऐड कर लेते हैं इसमें। टीवी का नेट चालू करने ही होगा क्योंकि नेट खत्म हो गया और टिकट जाना है, इंटरनेट की जरूरत नहीं है। किसी पापा अभी तो हाँ, अब करो काउंट। देखा हम काउंट कर रहे हैं, देखा देखा आ करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 थे आपके। दाल हमारी बनके रेडी हो, सो ये हमारा दाल रेडी हो गया है, दाल के साथ हम खाएंगे रोटी, दाल और रोटी खाने वाले अभी हम लंच में। अभी देखो ये क्या कर रहा है, होमवर्क कर रहा है। सबसे पहले मैं डोर ओपन कर देती हूँ क्योंकि ये आ गए हैं, तो ये बता रहे थे कि मैं कुछ लेके आने वाला हूँ खाने के लिए, देखते हैं क्या लेके आए। क्या चाहिए तुमको? जो आप लेके आए वही चाहिए था मेरे को। हाँ? जो आप लेके आए वही चाहिए था मेरे को। क्या चाहिए था तुमको? क्या चाहिए था? चेक करती हूँ मैं क्या लेके आया हूँ। तेरे लिए कुछ भी ला दो, तेरे को लगता तो है। हाँ। ये खाया मेरे लिए केक। अच्छा मतलब लगता नहीं है मेरी बॉडी को तो कुछ नहीं लाओगे? ये देखो यम्मी यम सा केक लेके आए। नहीं नहीं तेरी तो फिर मतलब क्या चीजें लाके। अच्छा अच्छा है ना, तो नहीं लगता है। अगर मैं ज्यादा खाती और मैं ज्यादा मोटी हो जाती तो भी तो दिक्कत थी ना। मैं चीज अति और कोई भी चीज कम दोनों ही अच्छे नहीं होते किसी भी। तो मैं कम में हूँ बट मैं कितना भी खा लूँ वो मेरे से बॉडी को लगता ही नहीं है। मैंने बोला अति कम जो तेरे पास है और अति ज्यादा, दोनों ही खराब होते हैं। मेरी बॉडी ऐसी है मैं कितना भी खा लूं, ऑयली हुआ कुछ भी खा लूं, मैं जंक फूड होगा कुछ भी खा लूं, बट मेरी बॉडी बिल्कुल वैसी की वैसी है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो पतिदेव लेके आए हुए हैं केक, आए तो बोलो मिस्टर जी क्या कर रहे हैं? वो अभी सो के उठा था तो फिर अभी थोड़ा बहुत पढ़ने बैठ गया है। आज किचन में गुलाट खा गया, वो गिर गया ऊपर से। ऐसे काम करता है।
हुआ ना, अंदर से हड्डी टूट गई है उसकी। मेरी हाथ की हड्डी टूट गई। लिख भी पा रहे हो फिर भी टूट गई। वो अभी ठीक है थोड़ी सी। वो स्ट्रॉन्ग बॉय की ठीक हो जाती है। जो मिल्क पीते हैं, जो बच्चे खाना खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, वो ठीक हो जाते हैं बिल्कुल रुद्रांश के जैसे।